हेलो स्टूडेंट्स, टेक आउट ऑफ योर माय ऑब्जर्वेशन ईवीएस बुक क्लास सेकेंड पार्ट वन। आपको पार्ट वन क्लास सेकेंड की ईवीएस बुक ओपन करनी है। ओके, ओपन योर बुक पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 ओपन कीजिए आप। अभी हमने डिस्कवरी बुक में चैप्टर 3 कंप्लीट किया है। अब हम माय ऑब्जर्वेशन बुक में चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे। ओके, पिकअप द पेंसिल, मैम के साथ साथ लिखना है आपको। पेंसिल शार्प होना चाहिए आप सभी की। जब मैम वर्क कराती तो पहले ही आप पेंसिल शार्प करके रखें अपनी। ओके, चैप्टर 3 सेंसिंग द वर्ल्ड, सेंसिंग द वर्ल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, मैच द पिक्चर ऑफ द ऑर्गन्स विद देयर फंक्शन। आपको इन पिक्चर्स को मैच करना है इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। फंक्शन मीन्स काम, फंक्शन मीन्स काम। आइस क्या करती है आपकी, जल्दी बताइए, क्या करती है आइस? आइस से आप सी करते हो ना, क्या सी करोगे आप इसमें? टच, टेस्ट या साइट? किसी साइट पर देखते हैं ना हम, तो यहां क्या लिखेंगे हम? ए। समझ में आया आपको? आपकी नोज, नोज से हम क्या करते हैं? टच, टेस्ट, साइट, स्मेल और साउंड, स्मेल करते हैं ना। यहां बी लिखिए आप। सी देखिए आपका ईयर, ईयर से आप क्या करते हैं सब? ईयर से क्या करते हैं आप लोग? ईयर से क्या करेंगे आप? टच, टेस्ट या साउंड? साउंड सुनते हैं ना, तो यहां लिखिए आप सी। ओके, अब आपकी टंग, टंग आ गई। टंग से हम क्या करते हैं? टच और टेस्ट, इन दोनों में से बताइए आप। टेस्ट करते हैं ना, वेरी गुड। ई, ई पर लिखा, ई पर क्या बना हुआ है? ई स्किन को टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्किन को टच कर रहे हैं ना, तो यहां क्या लिखेंगे हम? ई, टी ई ओ यू सी एच, टच। ओके, आई से क्या करते हैं हम? साइट देखते हैं, एस आई जी एस टी, साइट। नो से क्या किया? एस एम ई डब्ल एल, स्मेल। ईयर से क्या किया आपने? एस ओ यू एन डी, साउंड, साउंड सुनते हैं ना। टंग, टंग से क्या किया आपने? टी ए एस टी ई, टेस्ट। स्किन से क्या करते हैं हम? टी ओ यू सी एच, टच। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन, डब्ल्यू आर आई टी, राइट मीन्स लिखो, राइट मीन्स लिखो, एन मीन्स एन फॉर नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल क्या होता है? जो गॉड ने बनाए ना उनको नेचुरल बोलते हैं। ऑफ लाइट, लाइट के नेचुरल सोर्सेज बताइए। अच्छा, अभी पूरी दुनिया में लाइट कहां से आ रही है? पूरी दुनिया में रोशनी हो रही है किससे होती है? सन से होती है। हम हमारे घर में तो लाइट चलाते हैं, लेकिन गॉड ने देखो एक ही लाइट दी है, कौन सी लाइट दी है? सन। दिन में सन होता है और नाइट में मून और स्टार्स होते हैं, तो नेचुरल लाइट आती है उनकी, सन की भी नेचुरल लाइट आती है। तो इट मीन सन क्या है? नेचुरल लाइट ऑफ, सॉरी, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट का नेचुरल सोर्सेज क्या है? सन। एंड एम एम फॉर मैनमेड सोर्सेज ऑफ लाइट। एम मिस मैन और एम मिस मैन, मैनमेड मनुष्य द्वारा बनाए गए लाइट के सोर्सेज, मनुष्य द्वारा बनाए गए लाइट के सोर्सेज जो हमारे रूम में अवेलेबल होते हैं, टॉर्च, बल्ब, ट्यूब लाइट, कैंडल। ओके, देखिए अब आप फर्स्ट पिक्चर किसकी है? सन की। सन नेचुरल है या मैनमेड है, जल्दी बताइए। एन नेचुरल है। सेकेंड पिक्चर इज टॉर्च, टॉर्च क्या है? एम एम क्या है? एम मिस मैन, एम मिस मैन, मैन मेड, मनुष्य द्वारा बनाई हुई। अभी किसने बनाया? गॉड ने, नहीं ना, एम एम आएगा इतने से, यहां क्या आएगा यहां पर? एम एम। अब ये किसने बनाई है आपकी? स्पार्कल्स किसने बनाई? फुलझड़िया मैंने बनाई ना, उससे मैन, मैंने बनाई तभी तो उसमें से रोशनी हो रही है। एम एम। अभी ये फायर, आग लग गई,
ये क्या होता है, मैनमेड या नेचुरल? नेचुरल होती है ये तो, लेकिन जो एलपीजी गैस होती है जो हमारे घर में होती है वो एमएम होती है। ओके, कैंडल, कैंडल क्या होती है? एमएम। और ये क्या है? स्टार्स। स्टार्स की जो लाइट आ रही है वो एमएम होती है, एन होती है। जल्दी बताइए। नेचुरल, वेरी गुड। और ये ट्यूबलाइट सबके घर में है, सबके रूम में है ना, तो बताइए नेचुरल है मैनमेड है? मैनमेड। ओके, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया इस चैप्टर। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या लिखा है? फिल इन द ब्लैंक्स। आर डैश हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। हम किसकी हेल्प से पूरे वर्ल्ड के बारे में जानते हैं? किसके हेल्प से जानते हैं हम? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। आर, ए नंबर पे लिखा है आर डैश हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। हम किसके हेल्प से पूरे वर्ल्ड के बारे में जानते हैं? आपको पता है सबको? सेंस ऑर्गेन्स। सेंस ऑर्गेन्स कैसे बोलिए? एस ई एन एस ई, सेंस ऑर्गेन की बोलिए। ओ आर जी ए एन एस, ओ आर जी ए एन एस, एस ई एन एस ई सेंस, ओ आर जी ए एन एस, सेंस ऑर्गेन्स। बी नंबर देखिए आप। आर नोज हैज टू। हमारी नोज में क्या है? टू। बताइए आप क्या होता है नोज में? टू नोस्ट्रिल्स, दो छेद है ना, उनको क्या बोलेंगे हम? नोस्ट्रिल्स। नोज के सिंबल बोलो एन ओ एस, ट्रिल्स की टी आर आई एल एस, बोलिए एन ओ एस टी आर आई एल एस, नोस्ट्रिल्स। रिपीट अगेन, एन ओ एस टी आर आई एल एस, नोस्ट्रिल्स। ओके, थर्ड नंबर देखिए आप, सी नंबर वाला। डैश एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, द कवर्स आर एंटायर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी को किसने ब्लैंकेट की तरह कवर कर रखा है? सबको पता है, जल्दी बताइए। स्किन, एस के आई एन स्किन, स्किन बोलिए, एस के आई एन स्किन। ओके, नेक्स्ट डी वाला देखिए आप। डैश हेल्प अस टू रीड अ बुक। आपकी बुक रीड करने में कौन हेल्प करता है आपको? आईज, ई वाई एस आईज, देखोगे तभी तो रीड कर पाओगे ना। वी मस्ट ऑलवेज यूज अ हैंडकरचीफ व्हाइल, हमें हैंडकरचीफ का यूज करना चाहिए। ऑलवेज मीन्स हमेशा, वी मीन्स हमें, यूज उपयोग में लेना चाहिए, हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल, व्हाइल मीन्स जब, हमें जब हैंडकरचीफ का यूज करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब हमें स्नीजिंग हो, छींक आती है हमें, है ना, तब। एस एन डबल ई जेड आई एन जी, बोलिए एस एन डबल ई जेड आई एन जी, स्नीजिंग। स्नीजिंग मीन्स छींक आना। ओके, नेक्स्ट बल्ब एंड बल्ब एंड टॉर्च आर एग्जाम्पल ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल लाइट है या मैनमेड लाइट है, जल्दी बताइए आप। नेचुरल है या मैनमेड है? मैनमेड। मैन कैसे बोलो? एम एन मैन, मेड एम ए डी ई, मैड, मेड मीन्स बनाना, मनुष्य द्वारा बनाई हुई, एम ए डी ई मैड, एम ए डी ई मैड। ओके, नेक्स्ट वी शुड अवॉइड पुटिंग एनी, हमें करना चाहिए अवॉइड मतलब दूर, पुटिंग एनी डैश इनसाइड आवर ईयर्स, हमारे कान के अंदर नहीं रखना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। क्या नहीं रखना डालना चाहिए?
कोई से भी ऑब्जेक्ट, ओ बी जे ई सी टी, बोली ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग ओ बी जे ई सी टी, ओ बी जे ई सी टी ऑब्जेक्ट इनसाइड आवर ईयर्स, हमारे कान में नहीं डालना चाहिए, शार्प चीजों को दूर कर देना चाहिए, हमारे कान में कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए इनसाइड, नहीं तो कान में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 पर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विच सेंस ऑर्गेन यू यूज बाय, आपको जी ये स्टेट दे रखे, इतने सेंटेंस दे रखे, तो आपको बताना है कि इनके लिए कौन सा सेंस ऑर्गेन यूज करते हैं आप, ठीक है। ए नंबर पे देखिए, स्मेलिंग अ परफ्यूम व्हेन यू आर ब्लाइंडफोल्डेड, आपको परफ्यूम की खुशबू आ रही है, किससे स्मेल कर रहे हैं जल्दी बताइए, नोज, एनओएसी नोज, देयर इज नॉइज इन द क्लासरूम, आपको क्लास में नॉइज नहीं दे रही है, आवाज सुनाई दे रही है, किसे सुन रहे हैं आप, ईयर, ई ए आर एस, ईयर्स, ईयर्स सुन रहे हैं आप। पैटिंग अ डॉग, पैटिंग अ डॉग, सॉरी पैटिंग अ डॉग, डॉग के ऊपर हाथ फेर रहे हो आप, उसकी स्किन को हाथ लगा रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है, सॉफ्ट या हार्ड, सॉफ्ट लग रहा है ना, इट मीन्स आपको क्या हो रहा है, फील हो रहा है, तो हम फील किससे करते हैं, स्किन, एस के आई एन स्किन, एस के आई एन स्किन। डी नंबर, ईटिंग अ ग्रीन चिली, हम ग्रीन चिली खा रहे हैं, हाँ ग्रीन चिली खा रहे हैं, हमें कैसा टेस्ट आ रहा है, बिटर, तो क्या हुआ, किससे टेस्ट किया आपने, टंग, टी ओ, टंग किसमें लिखी, टी ओ एन जी यू ई, टंग, टी ओ एन जी यू ई, टंग। एक्सप्लोरिंग द मार्केट विद योर फ्रेंड, आप आपके फ्रेंड के साथ मार्केट में कुछ चीज ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं आप, आईज, किसका, कौन सा सेंस ऑर्गन्स देख का यूज कर रहे हैं आप, आईज, कोई मटेरियल देख रहे हो आप, अभी राखी का टाइम हो गया है, आप राखी ढूंढ रहे हो अपने फ्रेंड के साथ जाकर मार्केट में, तो किस चीज से देख रहे हो आप, आईज से सर देख रहे हो आप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सर्कल द नेम्स ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स विच आर हिडन इन द फॉलोइंग ग्रिड, अब इस ग्रिड में से आपको सर्कल करना है अपने 5 सेंस ऑर्गन्स पर, 5 सेंस ऑर्गन्स। ओके ये आप सेल्फ करेंगे, मैंने यहाँ HW लिखा है, क्या लिखा मैम ने, HW, आपको खुद करना है। पेज नंबर 29 देखिए आप, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, सॉरी स्टेटमेंट्स, ऑल्सो रीराइट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स करेक्टली, आपको ये सेंटेंस रीड करने हैं, देन रीराइट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो इनकरेक्ट है, जो रॉन्ग है, उनको रीराइट करना है, मतलब दोबारा लिखना है, री मीन्स दोबारा, राइट मीन्स लिखना, दोबारा लिखना है करेक्टली। ओके ए पे लिखा है, पीपल कैन सी प्रॉपरली इन द डार्क, पीपल डार्क में प्रॉपरली देख सकता है, क्या ये करेक्ट सेंटेंस है, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, नहीं, यहाँ पे डार्क के नीचे अंडरलाइन कीजिए आप, यहाँ हम लाइट लिखेंगे, लिखिए यहाँ पे पी ई ओ, मैम के साथ साथ लिखते जाइए, पी ई ओ पी एल ई, पीपल मीन्स लोग, सी ए एन कैन सी, देख सकते हैं, सी मीन्स देखना, कैन मीन्स तकना, देख सकते हैं, पी आर ओ पी ई आर एल वाई, प्रॉपरली इन द लाइट, एल आई जी एस टी, लाइट, किसमें देख सकते हैं पीपल, प्रॉपर लाइट में देख सकते हैं, पीपल कैन सी प्रॉपरली इन द लाइट। ओके
नेक्स्ट बी नंबर, पेन इज सेंस्ड बाय आर, हम आइस से फील करते हैं हम लोग, हमें दर्द होता है तो हमने किससे फील किया, स्किन से फील किया, पी ए आई एन पैन इज सेंस्ड बाय आर ओ यू आर आर स्किन एस के आई एन स्किन, ओके, पैन इज सेंस्ड बाय आर स्किन। सी नंबर देखिए, आर ईयर्स हमारे कान रिमाइंड अस ऑफ द गार्बेज लेइंग इन द अनकवर्ड डस्टबिन, अनकवर्ड मीन्स होता है बिना ढका हुआ डस्टबिन, गार्बेज की स्मेल आ रही है आपको, गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा, गार्बेज मीन्स जी ए आर बी ए जी ई, गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरे की आपको गंदी स्मेल आ रही है कचरे की, तो आप किससे रिमाइंड करेंगे उसकी स्मेल को, गंदी बदबू आ रही है ना, बैड स्मेल, तो किससे रिमाइंड किया आपने, ईयर से नहीं, हम किससे करेंगे, नोज से, तो लिखिए रीराइट कीजिए ओ यू आर आर एन ओ एस ई नोज आर ई एम आई एन डी रिमाइंड अस ओ एफ ऑफ द गार्बेज जी ए आर बी ए जी ई गार्बेज लाइन इन द अनकवर्ड डस्टबिन यू एन सी ओ वी ई आर ई डी अनकवर्ड डस्टबिन, कैसे बोलो, डी यू एस टी बी आई एन एस डस्टबिन, ओके, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर डी देखिए आप, डिफरेंट पार्ट ऑफ आर बॉडी आर कंट्रोल बाय आर आईज, डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स हमारे बॉडी आर कंट्रोल बाय आर, किसे कंट्रोल करते हैं हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स जो हैं, कौन कंट्रोल करता है, आपके ब्रेन या आईज, आईज की यहां कह लेंगे हम ब्रेन, तो लिखिए आप डी आई डबल एफ ई आर ई एन की डिफरेंट पी ए आर टी एस पार्ट्स ऑफ आर बॉडी आर कंट्रोल सी ओ एन टी आर ओ डबल एल ई डी कंट्रोल बाय आर ब्रेन बी आर ए आई एन ब्रेन, ओके। लास्ट क्वेश्चन, आर टंग हेल्प अस टू जज वेदर एन ऑब्जेक्ट इज स्मूथ और रफ, आपकी टंग की हेल्प से आप पहचानते हो कि कौन सी चीज स्मूथ है और कौन सी रफ है, पहचानते हो क्या, किससे पहचानेंगे हम, स्किन से, तो आप टंग के यहां अंडरलाइन कीजिए, किससे पहचानेंगे हम, स्किन से, ओ यू आर आर लिखिए मैम के साथ साथ, ओ यू आर आर स्किन एस के आई ए स्किन एच ई एल पी एस हेल्प्स अस टू जज जे यू डी जी ई जज वेदर डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, मतलब ये पूरा सेंटेंस एज इट इज आपको नीचे लिखना है, एन ओ बी जे ई सी टी ऑब्जेक्ट इज स्मूथ और रफ आर ओ यू जी एच रफ, देखिए आप मैं अगेन समझाती हूं, आर टंग के ऊपर यहां सर्कल कर दिया मैंने, ओके, यहां हमने क्या लिखा, स्किन, और पूरा एज इट इज क्वेश्चन में से देख के लिख दिया, हेल्प अस टू जज वेदर एन ऑब्जेक्ट इज स्मूथ और रफ, ऐसे ही ऊपर सभी में किया है। यहां पर ए नंबर पे देखिए मैं रिपीट कर रही हूं आपको, पीपल
कैन सी प्रॉपरली इन द डार्क। डार्क वाले पे सर्कल कर दीजिए, पूरा एज इट इज लिखा है मैम ने, देखिए आप। बी नंबर पर पेन इज सेंस्ड बाय आर आईज, आईज पर सर्कल कर दीजिए, मैम ने इसकी जगह स्किन लिखा और एज इट इज लिख दिया है। आर ईयर, ईयर को सर्कल कर दीजिए। रिमाइंड अस द गार्बेज लाइंग इन द अनकवर्ड डस्टबिन, जहां मैम ने सर्कल किया उसकी जगह मैम ने नोज लिखा और पूरा एज इट इज क्वेश्चन में से लिखा है। ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर बॉडी आर कंट्रोल बाय आर आईज। तो मैम ने इस आईज के यहाँ सर्कल किया, यहाँ ब्रैन लिखा है मैम ने, बाकी पूरा क्वेश्चन में से लिखा है। ई नंबर वाले में टंग पर सर्कल किया, यहाँ स्किन लिखा और एज इट इज ऐसा कैसे लिखा है, आपको समझ में आ गया, आप कर लेंगे। ओके, पेज नंबर 30 देखिए आप, एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, वन नंबर, सम एनिमल्स लाइक डैश गिव आउट लाइट। सम एनिमल, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमें लाइट देते हैं, बटरफ्लाई देती है क्या आपको, फ्रॉग देता है, या फायर फ्लाइज पर टिक कीजिए आप, और यहां फायर फ्लाइज लिख दीजिए, एफ आई आर ई फायर, एफ एल आई ई एस फ्लाइज। ओके, टू नंबर देखिए, इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्सेज क्या है लाइट का, कैंडल, ट्यूबलाइट या सन, ट्यूबलाइट या सन, जल्दी बताइए, सन। सन कैसे हम बोलिए, एस यू एन सन, क्योंकि सन गॉड ने बनाया ना, इट मीन्स वो नेचुरल है। थ्री नंबर देखिए, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, हम किसकी हेल्प से देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड, इसकी हेल्प से पूरे वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, बताइए, सेंस ऑर्गेन्स, एस ई एन ऐसी सेंस, ओ आर जी ए एन एस, ऑर्गेन्स। फोर्थ नंबर, आर टंग कैन आइडेंटिफाई टेस्ट सच एज स्वीट, शोर, बिटर एंड सॉल्टी। ओके, एस ए एल टी वाई, सॉल्टी पर टिक किया आपने। फिफ्थ नंबर देखिए, सेंस ऑर्गेन्स ऑन रिसीविंग आर सेंसेस सेंशंस सैंड मैसेजेस टू आर, सेंस ऑर्गेन्स को मैसेज कहां से रिसीव होते हैं, हार्ट से, ब्रेन से, स्किन से, ब्रेन, बी आर ए आई एन, ब्रेन से रिसीव होते हैं। ओके, समझ में आया आपको, हमें पेज नंबर 31 की एक्टिविटी नहीं करनी है, क्रॉस कर दीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज 32 की भी नहीं करनी है आपको, क्योंकि इसमें आपको ग्रुप बनाना होगा, ग्रुप में 4-5 स्टूडेंट्स होंगे, उनके लंच बुक्स के बारे में पूरा बताना है, लेकिन ये हम अभी नहीं करेंगे। ओके, पेज नंबर 33 देखिए आप, मेक अ कोलाज ऑन अ वेज टू प्रोटेक्ट योर आईज, आपको एक कोलाज बनाना है जिससे आपकी आईज को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एच डब्ल्यू मेंशन कीजिए यहाँ पर आप। नेक्स्ट पेज नंबर 34 देखिए आप, आपको कॉलेज वाले एक्टिविटी करनी है या ये नहीं आती है तो आप ये वाली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें और लिखा है, और का मीन्स होता है या तो आप पहले वाली कीजिए फिर ये वाली कीजिए। ओके, राइट फ्यू लाइन, आपको कुछ लाइन लिखनी है, फ्यू मीन्स कुछ, राइट मीन्स लिखो, ऑन द वेज टू कीप योर स्किन क्लीन, जिससे आप आपकी स्किन को क्लीन रख सकते हैं, आपको कुछ लाइन्स लिखनी है जिससे आप अपनी स्किन को क्लीन रख सकते हैं। ओके, आपको दोनों एक्टिविटी में से कोई एक एक्टिविटी करनी है, आपको इन दोनों एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी करनी है, यहाँ आपका चैप्टर 3 पेज नंबर 34 पर कंप्लीट हुआ। ओके, चैप्टर 3 इज कंप्लीट। स्टूडेंट्स, टेक आउट ऑफ योर ईवीएस नोटबुक, अपनी ईवीएस की कॉपी ओपन कीजिए आप, इसमें चैप्टर 3 लिखिए आप, राइट डाउन चैप्टर 3 जिस तरह मैम ने लिखा है, एज इट इज आपको भी लिखना है, राइट डाउन चैप्टर 3 और यूज रेड मार्जिन, सेंसिंग द वर्ल्ड, राइट डाउन न्यू वर्ड्स, हमें न्यू वर्ड्स करने हैं इसके अंदर। ओके, फर्स्ट इज सेंस ऑर्गेन्स, फर्स्ट लेटर क्या है, एस ई एन एस ई सेंस, ओ आर जी ए एन एस, ऑर्गेन्स, सेंस ऑर्गेन्स। सेकेंड इज हार्मफुल, एच ए आर एम एफ यू एल, हार्मफुल। थर्ड इज नेचुरल, एन ए टी
यू आर ए एल नेचुरल एस ओ यू एन डी एस साउंड नेचुरल साउंड. फोर्थ एस एम ई डबल एल स्मेल एस एम ई डबल एल स्मेल. फिफ्थ डब्ल्यू ओ आर एल डी वर्ल्ड. यहाँ आपके न्यू वर्ड्स फिनिश होते हैं. अब हम चैप्टर 3 क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. राइट डाउन चैप्टर 3 क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट आर सेंस ऑर्गेन्स. सेंस ऑर्गेन्स क्या है. सेंस ऑर्गेन्स क्या है. आंसर लिखिए आप. द सेंस ऑर्गेन्स आर द बॉडी ऑर्गेन्स बाय विच humans are able to see, smell, hear, taste, and touch or feel. Sense organs क्या कहलाते हैं जिससे humans means मनुष्य देख सकता है, किसी चीज को देख सकता है, सूंघ सकता है, hear कर सकता है, सुन सकता है, taste कर सकता है, touch या feel कर सकता है, वो sense organs कहलाते हैं. Question number 2 देखिए आप. How many sense organs do we have? हमारे पास कौन कौन से सेंस ऑर्गेन्स हैं. आंसर लिखिए आप. वी हैव 5 सेंस ऑर्गेन्स. वी हैव 5 सेंस ऑर्गेन्स. फर्स्ट इज आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन. आईज की स्किन बोलिए ई वाई एस आईज. ईयर्स की बोलिए ई ए आर एस ईयर्स. एन ओ ए सी नोज. टी O U N G E tongue. S K I N skin. यहाँ आपका चैप्टर 3 कॉपी वर्क भी कंप्लीट होता है. ओके स्टूडेंट्स.